हेलो दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे गाड़ी के बारे में, ड्राइविंग कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में आपको सब बताएंगे। जी, तो सबसे पहले अभी हम आपके सामने गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपने शीशे चेक करें, इधर अभी लेफ्ट साइड पर आप ये पीछे देखने के लिए है, इसको भी सेटिंग करते हैं, सही नहीं है। ये देखो थोड़ा ऊपर गया आपके सामने, ठीक है। ये गाड़ी स्टार्ट की है, स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होने के बाद ये हैंड ब्रेक है इसकी, ये 1/8 है, पिकअप है, ये हैंड ब्रेक है इसकी। कुछ लोग की 1/8 किसकी इधर भी होती है, यहाँ पे भी, पर इसकी यहाँ पे है हैंड ब्रेक, ओके। ये हम सबसे पहले इसको नहीं निकालना, ठीक है। ये नीचे देखे थोड़ा, ये देखे, ये जो है ना, ये एक्सीवेटर है, ए से एक्सीवेटर बनता है, ये बी से ये ब्रेक है, ठीक है। ये क्लच है सी से, ठीक है। ये आपने एक्सीवेटर है, ये बी से ब्रेक है, ये क्लच है। ये जो आपका लेफ्ट पाव है ना, ये सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है क्लच के लिए, और एक्सीवेटर के लिए आपने आपका राइट पाव है ना, ये इस्तेमाल करना है क्लच के लिए, एक्सीवेटर के लिए और ब्रेक के लिए। ये राइट जो है पाव है ना, आपने ये इस्तेमाल करना है इन दोनों के लिए, और क्लच जो है ना, ये सिर्फ लेफ्ट पाव इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद हम ये नंबर रहेगा, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये लाइनें लगी हुई हैं, ये आपको नजर आ रही हैं, ये लाइनें हैं। ये एक जो लगाना है, ये इधर करना पड़ेगा आपको, ये एक इधर, उसके साथ में पीछे दो नंबर लगता है, ये देखें, ये पीछे दो नंबर लगता है साथ में, ये ऊपर एक लगता है आपके सामने लगा, और ये पीछे गया, ये न्यूट्रल हो गया। इसके बाद फिर ऐसे करके फिर ये दो लग गया, फिर सेंटर में आ गया, ये सेंटर में आप देख रहे हैं ये लाइन का निशान, ये तीन है, ये तीन नंबर लगेगा, इसके सीधा नीचे चार नंबर लगेगा, ओके। ये लाइन देख रहे हैं, फिर ये लाइन इधर जा रही है, आपको इसको थोड़ा ऐसे करें, ऐसे ऐसे करने के टाइम ऊपर पांच नंबर लगेगा, जब आप फुल स्पीड पे जा रहे होते हैं, पांच नंबर उस टाइम यूज करते हैं, इसलिए हम आपको ये तो अभी हम बता रहे हैं। और इधर ही सीधा नीचे लगे बैक लगेगा, रिवर्स, आर लिखा हुआ है, आर से बनता है रिवर्स, ये देखें, ये रिवर्स लगा, ये रिवर्स लगा दिया, ये भी न्यूट्रल होगा। गाड़ी अभी हम चालू करेंगे, चलाएंगे एक नंबर पे, ये देखो आपके सामने इधर किया, ये एक नंबर लगाया। अभी हम इसकी हैंड ब्रेक उतारेंगे, गियर लगाने के बाद हैंड ब्रेक उतारनी है, पहले कभी नहीं हैंड ब्रेक छोड़नी, क्योंकि गाड़ी कहीं ऊपर होती है तो नीचे भी आ सकती है। ये देखें, ये उतारी, ये गाड़ी अभी स्टार्ट किया, ठीक है। ये भी न्यूट्रल, जब भी आप कहीं भी गाड़ी खड़ा करें, पहले इसको देखें अच्छे से, न्यूट्रल है, गियर में नहीं है, तो फिर आप इसकी हैंड ब्रेक खींचें, फिर आप अपना ब्रेक से पैर उठाएं, क्लच से भी पैर उठाएं, कहीं रोड पर खड़ा करना, ये इसके डबल सिग्नल है, पार्किंग ब्रेक है, ये सिग्नल है, ये देख सकते हैं आप, ये लगा हुआ है। ये अभी आपको हमने आपको बता दिया गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं, इसमें क्या क्या चीज है दोस्तों। ये देखो, देखो दोस्तों, ये गियर है राइट, पहले हमने आपको बताया ये रिवर्स है, हम अभी आपको रिवर्स करके बताएंगे। ये देखे पहले क्लच, ये थोड़ा इधर देखें, ये क्लच देख रहे हैं आप, मैंने आपको पहले बोला था जो लेफ्ट पाव है ना आपका पैर है, ये सिर्फ क्लच के लिए इस्तेमाल करना है आपने। ये देखो आपके सामने जो ये क्लच है, ये ऊपर पाव रखना, ये दबा दिया उसको राइट। अभी ये देखें, ये गियर है रिवर्स का, ये देख रहे हैं आप, दिखा हुआ इसको ऐसे करके, ये जो लगा दिया हमने पीछे बैक किया। अभी ये देखें, ये थोड़ा हम एक एक्सीवेटर है, ठीक है। ये मेरा पाव देख रहे हैं, राइट साइड का मेरा पाव है एक्सीवेटर के ऊपर, ये एक्सीवेटर पे है, ये लेफ्ट साइड का क्लच पे है, ये ब्रेक अभी हम छोड़ेंगे। पहले जो आपको बताया कि गियर लगा के रिवर्स लगाना है, या पहला गियर लगाना है, या आगे जाना है, या पीछे करना है, पहले गियर लगाना है फिर ब्रेक छोड़नी है। कहीं आप ऊंची जगह पे खड़े होंगे, अभी आपने पहले इसका ब्रेक छोड़ दिया तो ये गाड़ी गिर सकती है, इसलिए ये देखो अभी हम ये छोड़ेंगे, और थोड़ा सा हल्का सा एक्सीलेटर देंगे, और हल्का सा अपना लेफ्ट पाँव जो क्लच पे है ना, ये भी छोड़ेंगे। ये देखें आप सामने छोड़ रहे हैं, ये देखें, ये भी गाड़ी पीछे जा रही है, ओके, ये पीछे जा रही है, ये अभी हमने ब्रेक पे पाँव रखे हैं, देखा, अभी क्लच को फुल पुश करके, और हमने राइट जो पाँव है ना ब्रेक पे रख लिया, ओके। अभी हम ये न्यूट्रल करेंगे, ये आपके सामने, ये देखें, ये अभी न्यूट्रल, ये ऐसे किसी की गाड़ी का भी चेक कर सकते हैं आप, ऐसे जाकर न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल का मतलब कोई गियर नहीं है, फास्ट अभी फ्री है, ठीक है। अभी हम देखें, ये अभी रुके हैं, ये हैंड ब्रेक आपके सामने लगाया है, अभी फ्री है गाड़ी बिल्कुल। अभी हम आपको आगे वाला ये देखें, सेम आगे वाला भी सिस्टम सेम ही है, क्लच दबाएं सबसे पहले, फिर आप आगे वाला गियर लगाएं, फिर आप ये हैंड ब्रेक छोड़ें, थोड़ा सा एक्सीलेटर दें, थोड़ा सा एक्सीलेटर दें राइट वाला,
पाँव वाला और ये क्लच छोड़ें लेफ्ट पाँव वाला, ये देखें ये हम आगे जा रहे हैं, ये अभी देखें आपके सामने अभी हमने जो अपना राइट पाँव था वो इस्तेमाल किया है, वो इस्तेमाल किया ब्रेक पे, वो इस्तेमाल किया एक्सीलेटर पे, एक्सीलेटर पे ये देखें अभी आप ब्रेक लगा दिया, ये अभी फ्री हो गई गाड़ी, ठीक है। इसके बाद ये देखें ये लाइट है इसकी, ये आ जाओ ना लेफ्ट साइड पे है ना, ये लाइट है, इसको आगे की तरह चालू करेंगे ये लाइट चालू हो जाएगी। ये अभी अभी तो दिन है ना, आपको नजर नहीं आ रही होगी, ये लाइट है, ये डिम लाइट है, ये पार्किंग लाइट है, ये अभी बंद हो गई है, ये फुल करेंगे तो ये चालू होती है। ये देखें ये सिग्नल है, अगर आपने लेफ्ट जाना ये सिग्नल लगा रहे हैं। सबसे पहले आपने मिरर में देख रहे हैं, अपने में लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है तो आप सिग्नल लगा के जा रहे हैं, तो पर सिग्नल लगाना आदमी, अगर गाड़ी भी होगी तो आपका जब सिग्नल लगा हुआ तो आपको कोई ना कोई रास्ता दे देता है, सिग्नल लगा हुआ तो हर कोई रास्ता दे देता है क्योंकि इसने जाना है लेफ्ट में। उसके बाद राइट में देखें और मिरर में देखें और ये राइट वाला है, ये ही है, ठीक है। इसके बाद ये देखें ये वेपर वाला है, ये आपके सामने वेपर चल रहे हैं, इनकी भी अपनी स्पीड होती है, ये फुल स्पीड है अभी इनकी, ये आपके सामने फुल स्पीड है, इसे थोड़ा स्लो चलाना है, अगर बारिश ज्यादा थोड़ी स्लो चल रही है ये चालू करना, ये बारिश में इस्तेमाल, अगर इससे भी स्लो चलाना ये स्लो चल रहा है, अगर बंद करना है तो ये बंद होगा, ठीक। इसका ये सिस्टम है दोस्तों, अभी ये आपके सामने ये एसी वाला सारा आपको जब गाड़ी में बैठेंगे पता चल जाएगा, एसी एक पे दो पे, ये अगर कम करना कूलिंग ये है सिस्टम उसका, इस साइड पे हीट है, ये कंप्रेसर का होता है, बाकी ये पाँव के ये सीधा है, ये पाँव वाला ये सारा सिस्टम आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 5 मिनट में आपको कार कैसे चलाना है, आप सिर्फ 5 मिनट में कार चलाना सीख सकते हैं। तो आपने देखे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, जरूर हम कोशिश करेंगे आपका आंसर देने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।